गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, इंजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज डेट आपकी 14 अक्टूबर यानी कि 14 अक्टूबर की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगी उसे हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। 14 अक्टूबर की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगी, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और यानी कि 14 अक्टूबर को इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसे हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को रेगुलर जो नोटिफिकेशन रहेगा सभी क्लासों की, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल हो, सभी क्लासों की आप लोगों को नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग चलते हैं पहले ही क्वेश्चन पर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या आपका, नासा के द्वारा, नासा यानी कि आपका यूएस बेस्ड जो स्पेस एजेंसी है आपकी नासा, ठीक है। यूएस बेस्ड स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा अभी रिसेंटली क्या किया गया आपका, एक स्टडी ऑफ द आयनोस्फीयर यानी कि जो आयन मंडल है उसकी स्टडी के लिए क्या किया गया आपका, एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया। तो उसे क्या नाम दिया गया, ठीक है, इसे क्या नाम दिया गया आपका, तो इसे नाम दिया गया, ये आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारा चीजें मेंशन करी है आप लोगों के लिए, आइकन नाम दिया गया उसे, उसे क्या नाम दिया गया आपका, ठीक है। नासा लॉन्च द सैटेलाइट नेम्ड आइकन, उसे क्या नाम दिया गया आपका, आइकन नाम दिया गया, स्टडी ऑफ द आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल, आयन मंडल, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, आयन मंडल कहा जाता है, ठीक है। आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल के स्टडी के लिए, ठीक है। जहां पे भी जो भी कम्युनिकेशन संबंधित जो भी सैटेलाइट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं आपका, यहीं पे स्थित होते हैं, ठीक है, आयन मंडल में ही होते हैं। और जो भी बच्चा चैनल से जुड़ रहा है सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए, समझ रहे हो आप लोग, किस राज्य सरकार के द्वारा, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड एस्टैब्लिश कन्याश्री यूनिवर्सिटी, कन्याश्री यूनिवर्सिटी यानी कि कन्याश्री विश्वविद्यालय और साथ ही साथ कन्याश्री कॉलेज भी क्या बनाएगा आपका, ये स्टेट बनाने की घोषणा करी है, ठीक है, इस स्टेट के द्वारा। तो वो स्टेट कौन सा आपका, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए रखे आप लोगों के लिए, बाकी चीज़ें मैं आप समझाता रहूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसा अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी के द्वारा अनाउंस किया गया, ठीक है, यानी कि आपका पश्चिम बंगाल ऐसा करेगा, ठीक, कन्याश्री विश्वविद्यालय। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं आपके। तो कन्याश्री, ठीक है, जो आपका विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई पश्चिम बंगाल के द्वारा, वेस्ट बंगाल के द्वारा ये घोषणा की गई है, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब वेस्ट बंगाल से रिलेटेड आपका क्या क्या क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले जैसे आप लोगों को ध्यान होगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर भारत में सबसे अधिक जो गेहूं उत्पाद, सॉरी आपका चावल उत्पादन में जो राइस जो प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा, वो कौन करता है आपका, वेस्ट बंगाल ही करता है। दूसरा आता है आपका जो जूट फाइबर होता है, जूट के उत्पादन में भी सबसे ज्यादा कहाँ पे आपका, वेस्ट बंगाल में ही होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे साथ में मेंशन भी करा है कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अनाउंस्ड फॉर, ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल्स, द वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड द ओपन कन्याश्री यूनिवर्सिटी, नादिया डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर नादिया डिस्ट्रिक्ट है, और कन्याश्री कॉलेज पूरे स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में खोला जाएगा, ऐसा इन्होंने अनाउंस करा है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये आपके इनके सामने, आपकी कौन सी IT कंपनी है जिसके द्वारा क्या किया गया, फर्स्ट द इंडिया डेटा सेंटर मुंबई के अंदर क्या खोला गया, अपना पहला डेटा सेंटर खोलने की घोषणा की गई, तो ऐसा कौन आपका, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, इंफोसिस, ओरेकल, विप्रो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ओरेकल के द्वारा, अभी ऐसा डिसीजन लिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा आपका ये रहा, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आपका, बी, ओरेकल ओपन द फर्स्ट इंडियन डेटा सेंटर मुंबई, समझ रहे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मैंने साथ साथ आपका आंसर भी मेंशन करे हुए, जैसे कि आप लोगों को PDF में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्सप्लेन भी कर रखा साथ साथ में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका वो क्या है आपका, ओरेकल ओपन द फर्स्ट इंडिया डेटा सेंटर इन मुंबई। इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब दूसरा पूछा जाएगा कि ओरेकल कहाँ की कंपनी है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ओरेकल जो कॉर्पोरेशन है आपका ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, ठीक है,
मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित है आपका, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, कैलिफोर्निया में। ये भी याद रखना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैलिफोर्निया के अंदर है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो ठीक है ना। ओरेकल किसमें, यूएस बेस्ड एक कंपनी है, ठीक है, आईटी कंपनी है आपका। आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। कॉमोरोस करके कंट्री है एक आपकी, आइलैंड है ये, पूरा का पूरा आइलैंड है कॉमोरोस, ठीक है। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जीता है इन्हें, जो यहाँ पर कॉमोरोस का जो सबसे, ठीक है, हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर है आपका, किस भारतीय को दिया जाएगा, इनका नाम क्या है आपका, ठीक है। तो श्री वेंकैया नायडू, समझ रहे आप लोग, वेंकैया नायडू को ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि कॉमोरोस का ये क्या है आपका, सम्मान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अपडेटेड है, समझ रहे हो आप लोग, आपसे पूछा जाएगा कि कॉमोरोस कौन से आइलैंड में स्थित है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा साथ में, ठीक है। क्योंकि अभी ये अवार्ड यहाँ का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, जैसे भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा आपका, भारत रत्न है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा भारत रत्न है, तो उसी तरह से कॉमोरोस के अंदर जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है वो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू से को सम्मानित किया जाएगा इस सम्मान से, ठीक है। तो साथ में आंसर भी मेंशन करा है। अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है बच्चे। ये ध्यान देना, अगर कॉमोरोस आपका क्या है, चर्चा में है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कंट्री कहाँ पे है, अपने आप में एक आइलैंड है ये, और कहाँ पे आपका, अब ईस्ट अफ्रीका के अंदर, समझ रहे हो, कहाँ पे आपका, ईस्ट अफ्रीका के अंदर। ये देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे साथ में, मैंने मैप भी मेंशन किया है, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका के अंदर है, लेकिन है कहाँ पे, कहाँ पे स्थित है आपका, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हिंद महासागर में। ये आइलैंड कहाँ पे आपका, हिंद महासागर में, ठीक है, या इंडियन ओशन के अंदर स्थित है, ठीक है। जस्ट आप लोगों को अगर ध्यान होगा, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है और उसके जस्ट नीचे इंडियन ओशन का सबसे बड़ा जो आइलैंड है आपका मेडागास्कर, समझ रहे हो आप लोग, मेडागास्कर और इंडियन ओशन जो आपका इंडियन ओशन है, ठीक है। ये अब दिख रहा है आप लोगों को, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये मेडागास्कर वाला पोर्शन है मैप में, ठीक है। इसके बीच में एक आइलैंड आपका कॉमोरोस, ठीक है। तो इसका जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होगा उससे सम्मानित किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये करेंसी देख लीजिए आप, फ्रैंक है, कैमोरियन जो फ्रैंक यहाँ की करेंसी हो गई। कैपिटल क्या हो गया आपकी, मोरोनी यहाँ की कैपिटल हो गई, ठीक है, ठीक है। मोरोनी यहाँ पे जस्ट ये देखिए, मोरोनी यहाँ की कैपिटल है बच्चे। इनकी कैपिटल जरूर याद रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अंजली आसुमानी, ठीक है, अंजली यहाँ पे क्या है, अंजली आसुमानी क्या है, यहाँ के वर्तमान समय पर प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट के पूछे जाने की चांसेस तो कम है, लेकिन कैपिटल, करेंसी और लोकेशन जरूर पूछता है। लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, ईस्ट अफ्रीका के अंदर, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके अंदर है आपका, ठीक। और कौन से आइलैंड के अंदर है आपका, ठीक है, ओशन में, अपने आप में क्या है, एक द्वीप है जो हिंद महासागर के अंदर बसा हुआ है। आप बाकी चीजें किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, यहां भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैंने आप लोगों को यहां पे एक बार फिर से याद कर लेते हैं, कई सारे बच्चों को डाउट होगा, ठीक है। डाउट किस चीज का डाउट, मैं आप लोगों को बता देता हूं, द्वीप जो आइलैंड की मैं बात कर रहा हूं, जिसके चारों ओर पानी से घिरा होगा, ठीक है। ये चारों ओर क्या हो आपका, पानी से घिरा होता है, तो इसे क्या कहा जाता है आपका, आइलैंड कहा जाता है या द्वीप कहा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो द्वीप है आपका वो कौन सा है, वो मैंने आप लोगों को बताया था, ग्रीनलैंड। विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है आपका वो कौन सा है, ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो आइलैंड आपका ग्रीनलैंड है, जिसपे ऑफिशियल रूप से अधिकार किसका है, डेनमार्क का है, ठीक। अब मैंने यहां पे आपको क्या बोला, एशिया, विश्व का तो सबसे बड़ा ग्रीनलैंड हो गया, और एशिया का पूछेगा आपसे तो एशिया का आता आपका बोर्नियो, ठीक है। एशिया का क्या आता आपका, बोर्नियो आता है, और उसके बाद कौन सा आता आपका, इंडियन ओशन का, तब आएगा आपका मेडागास्कर, ठीक है। तब कौन सा आएगा आपका, मेडागास्कर करके आता आपका, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। और मेडागास्कर के अंदर जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, समझ रहे हो, यानी कि स्थानांतरित कृषि होती है, उसे तावी कहा जाता है वहां पे, क्या कहा जाता है, तावी। जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती कहा जाता है, उसी तरह से मेडागास्कर में तावी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को जनरल स्टडी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखूंगा, तो वहां पे जरूर इनकी लोकेशन पूछूंगा। जो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस सेशन में जरूर कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
अभी क्या हुआ, आपका ब्रांडेड जो आपका क्या होता है, ब्रांड फाइनेंस नेशनल रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है, पिछले 2010 से लगभग अभी तक लगभग 9 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, तो ये जारी की जा रही है आपकी ब्रांड फाइनेंस नेशनल रैंकिंग में कौन सा देश 7वें स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर आपका इंडिया आएगा, ठीक है, इंडिया पिछले 2 वर्षों से 9वें स्थान पे था, ठीक है। अब भारत के जो ब्रांडेड जो फाइनेंस, ब्रांडेड फाइनेंस रैंकिंग में 2 स्थान ऊपर आ चुका आपका, यानी कि आप कौन से नंबर पे आ गया, आपका 7वें नंबर पे आ गया भारत, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, फर्स्ट 3 रैंकिंग तो जरूर याद रहनी चाहिए आप लोगों को। पहले नंबर पर आपका यूएस हो गया, दूसरे नंबर पर आपका चाइना आ गया, और तीसरे नंबर पर आ गया आपका जर्मनी। तो ये तीनों के तीनों पिछले 7-8 सालों से पहले रैंक पे है ये तीनों के तीनों, और भारत की रैंक पिछले काफी वर्षों से कौन सी थी आपकी, 9वीं रैंक थी। अब भारत की रैंक इसमें थोड़ा सुधार हुआ है आपका, तो भारत कौन से नंबर पे आ गया, 7वें रैंक पे आ गया। ये जो सारी की सारी रैंकिंग है, एग्जाम टाइम पे मैं आप सभी लोगों को टोटली जो रैंकिंग रहेगी उसे जरूर, मैं जो भी इंडेक्स होंगे उसे एक स्थान पर रखने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, वर्ष 2019 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता। सिंपल सा क्वेश्चन आपका कि वर्ष जो आपका नोबेल पीस प्राइज 2019। अब नोबेल के लिए मैंने हर चीजें आप लोगों को समझाई हुई है, ठीक है, कि नोबेल की शुरुआत कब हुई, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान देना आप लोग कि नोबेल पीस प्राइज 2019 के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा, तो इनके बारे में बता देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, यहां समझ लीजिए आप लोग। नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार 2019, ये किसे दिया जाएगा आपका, अबी अहमद अली को दिया जाएगा, अबी अहमद अली को दिया जाएगा, यानी कि नोबेल पीस प्राइज 2019 अवार्डेड अबी अहमद अली, ठीक है, फॉर द एफर्ट और अचीव द पीस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन, ठीक है। इन्होंने क्या करा आपका, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया जाएगा, विशेष रूप से पड़ोसी जो इरिटिया आपका, ठीक है, जो पड़ोसी क्या है आपका इरिटिया के साथ सीमा संघर्ष हल करने के लिए उन्हें यह प्रदान किया जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, नोबेल शांति पुरस्कार 2019 अबी अहमद अली को दिया जाएगा, जो कि क्या विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जो इनका भूमिका रही है, ठीक है, इनकी जो सक्रिय भूमिका रही है उसके लिए, और ये कहाँ के, कहाँ से बिलोंग करता है आपका, इरिटिया से। तो यानी क्वेश्चन आपका इसका राइट आंसर क्या आ गया, आपका बी राइट आंसर आ गया, अबी अहमद अली, ठीक है। अब ये ध्यान देना कि ये इरिटिया है कहाँ पे, मैंने आप लोगों को बताया था अभी आपको कॉमरोस करके, मैंने बताया कि वहां का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड हमारे जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू जी उन्हें दिया जाएगा, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दिया। अब इरिटिया कहाँ पे है, अगर यहाँ के प्रेसिडेंट इरिटिया से हैं तो आपसे पूछेगा इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, कुछ विशेष चीजें यहाँ पे होगी तो वो सारी चीजें यहाँ से पूछ सकते हैं। तो यही सारी चीजें आप लोगों को नोट्स अपने इसी तरह से अपडेट करने, आज के आप न्यूज़पेपर खोलोगे या कल का न्यूज़पेपर देखोगे तो वहां आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं भी फिर भी बता देता हूँ आप लोगों को इरिटिया के बारे में, जो इरिटिया आपका ये भी आपका क्या है, ईस्ट अफ्रीकन है, ठीक है ना, यानी कि ये पूर्वी अफ्रीका के अंदर आपका ये कंट्री बसा हुआ, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है आपकी क्या है, असमारा इसकी कैपिटल हो गई, इरिटिया की जो कैपिटल है आपका क्या है, असमारा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसकी कैपिटल क्या आपका, असमारा इसकी कैपिटल है, और करेंसी क्या आपका, इरिटियन नकफा, ठीक है, इरिटियन यहाँ का नकफा इस तरह से आता आपका, इरिटियन नकफा यहाँ की करेंसी हो गई। तो ये चीजें तो आप लोग कैपिटल और करेंसी जरूर याद रखना है और लोकेशन, ठीक है ना, इरिटिया। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इन्हें क्या बोला जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है, वहां पे सोमालिया हो गया आपका, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया हो गया आपका, ठीक है ना, दिगुबाती करके कंट्री हो गई आपकी, इथोपिया हो गया आपका, इरिटिया हो गया, और सूडान हो गया, ये समझ रहे हो, ये आपकी जो 5 कंट्रियां हो गई, सोमालिया दिगुबाती करके आ गया आपका, इथोपिया, इरिटिया और सूडान, इन्हें क्या बोला जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है आपका, समझ रहे हो आप लोग, वर्ल्ड में ये एरिया क्या आपका पूरा का पूरा डेजर्ट से फैला हुआ, यहाँ पे क्या है, डेजर्ट सहारा मरुस्थल फैला हुआ है, जिस कारण से यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा भुखमरी फैली हुई है, ठीक है, जैसे सूडान हो गया, सोमालिया हो गया, इन कंट्रियों के अंदर, समझ रहे हो आप लोग।
तो ये क्या है यहाँ पे। और साथ ही साथ बच्चा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, यहाँ पे ये जो आप लोग मैप में देख रहे होंगे गल्फ ऑफ अदन, यानी कि यहाँ पे अदन की खाड़ी दिख रही है आप लोगों को, सभी लोगों को दिख रही होगी अदन की खाड़ी, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है गल्फ ऑफ अदन। और जस्ट ऊपर देखोगे आप लोग तो रेड सी दिखेगा आपको, यानी क्या दिखेगा आपका, लाल सागर दिखेगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में एक स्ट्रेट होती है, एक जल संधि होती है, ठीक है ना। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग, तो ये ध्यान दे आप लोग, समझ रहे हो। तो ये आपका इसके बीच में यहां पे ध्यान दे आप सभी लोग यहां पे, ठीक है। तो इनके बीच में एक कौन सी आपका एक चैनल है आपकी, समझ रहे, एक जल संधि आपकी, जिसे क्या बोलते हैं, जल संधि कहा जाता है। तो जो रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को जोड़ता है उसे बोलते हैं आपका वेब मंडल, ठीक है ना, वेब अ मंडल कहा जाता है, ठीक है, वेब मंडल कहा जाता है। ठीक है, स्वेज कैनाल नहीं, यहाँ पे स्वेज कैनाल आपका रेड सी और मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के बीच में, स्वेज कैनाल जस्ट इसके ऊपर से आएगी आपकी, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना आप लोगों की यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये कहाँ कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, सॉरी यहाँ पे इरिटिया नहीं आएगा आपका, इथोपिया आएगा, ठीक है ना, यानी कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इथोपिया से बिलोंग करते हैं, समझ रहे हो, इरिटिया नहीं आएगा आपका, इथोपिया आएगा, समझ, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया आपका। जो नोबेल पीस प्राइज मिला ठीक है अभी अहमद अली को, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो इथोपिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और जापान के बीच में अभी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, भारत और समझ लो जापान के बीच में अभी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ आपका। तो जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ इसे क्या नाम दिया गया, इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को क्या नाम दिया गया आपका, ठीक है। तो उसे दिया गया आपका, ठीक है, धर्मा गार्डियन, ठीक है, गार्डियन आपका 2019। भारत और जापान के बीच में संयुक्त जो सैन्य अभ्यास हुआ है, ठीक है, तो इसे क्या नाम दिया गया आपका, धर्मा गार्डियन 2019, 2019 नाम दिया गया आपका, समझ रहे हो। तो ये भी अच्छे से समझ लेना आप लोग किसे क्या नाम दिया गया। हाँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी उसे हम लोग यहां पे कवर करते रहेंगे। अब जापान से संबंधित क्या क्या चीजें एग्जामिनर पूछता है, पहले तो इसकी करेंसी पूछेगा, ठीक है, दूसरा यहां पे इसकी पार्लियामेंट का नाम पूछेगा। करेंसी मैंने आप लोगों को बताई है कि यहां की करेंसी क्या है, येन यहां की करेंसी है, जापान की करेंसी क्या आपकी, येन। और पार्लियामेंट का नाम मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ का पार्लियामेंट क्या आपकी, डायट यहाँ की पार्लियामेंट है, ठीक है, डायट यहाँ की क्या है, पार्लियामेंट का नाम है। जापान की जो करेंसी है येन होगी, डायट यहाँ की, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग ध्यान देना कि ये पूछा जाता है आपका। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में आप लोग ध्यान देना कि अगर आप लोगों से पूछता है, ठीक है, इथोपिया की अगर कैपिटल पूछेगा, लास्ट वाला जो क्वेश्चन रह गया था आपका यहाँ पे, क्योंकि जो अली अहमद है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं आपके, ठीक है ना, क्या नाम आपका, ठीक है, अली अहमद जो आपका अभी अहमद अली, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं आपका, इथोपिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ की कैपिटल बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अदीस अबाबा, ठीक है, यहाँ की कैपिटल क्या आपकी, अदीस अबाबा, ये जरूर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ की कैपिटल याद रखिए आप लोग, अदीस अबाबा यहाँ की है कैपिटल है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये ध्यान देना आप लोग, इसकी कैपिटल जरूर याद रखना, अदीस अबाबा है, ठीक है। अब याद रखें आप सभी लोग कि मैंने आपको बताया थे भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये आपका क्या है, थल सेना अभ्यास है। इससे पहले जो मैंने आपको मालावार बताया था, तो मालावार के बारे में काफी सारे कंफ्यूजन ना करें आप लोग, वो क्या है, नौसेना अभ्यास है। मालाबार के आपका एक नौसेना अभ्यास है, ठीक है, जो कि भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास था, ठीक है। मालाबार यूएस जापान हो गया आपका, और साथ में कौन है आपका, इंडिया, ये तीनों की तीनों कंट्रियों के बीच में नौसेना अभ्यास है। और भारत और जापान के बीच में जो थल सेना अभ्यास है आपका, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म अभिभाग, ठीक है ना, ये क्या दे रखा आपका, धर्म गार्डन्स 2019 से आपका, जो कि 19 अक्टूबर से शुरू होगा आपका, कहाँ पे, ठीक है, 19 अक्टूबर से, और ये रहेगा आपका 2 नवंबर के बीच में। यहाँ पे ध्यान देना, भारतीय सेना इंडियन इन्फेंट्री जो फोर्सेज होगी वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी, और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज, ठीक है,
यहाँ पे क्या रहेगा आपका, JGSDF, ठीक है, जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी, इसमें भाग लेगी। तो ये सारी चीजें ये जरूर याद रखना आप लोग यहाँ पे, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ लिया आपसे तो ये जरूर याद रखना आपका, जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज इसमें भाग ले रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है। भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक जो कमेटी है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपका दिल्ली के अंदर। और ध्यान देना, क्वेश्चन दूसरी तरफ से आता है, इंडियन ओलंपिक कमेटी किस वर्ष स्टैब्लिश हुई, तो 1924 में। ठीक है, 1924 में IOC की स्थापना होती है। भारतीय ओलंपिक समिति, यहाँ पे क्या है आपका, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। मैं ओलंपिक एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, कमेटी की बात कर रहा हूँ। तो कमेटी आपकी 1924 में बनती है, इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पूछेगा आपसे, तो इस्टेब्लिश 1927 में, कब इस्टेब्लिश हुआ था आपका, 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था। और नरेंद्र ध्रुव बत्रा, नरेंद्र ध्रुव बत्रा क्या है यहाँ के, इसके क्या है अध्यक्ष है वर्तमान समय पर, इसके अध्यक्ष कौन है आपके, नरेंद्र ध्रुव बत्रा IOC के क्या है अध्यक्ष हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, न्यू दिल्ली के अंदर है। भारतीय ओलंपिक संघ, मैंने आप लोगों को IOC बताया, ये जरूर याद रखना 1924, क्योंकि IOC बहुत बार पूछा जाता है। इंडियन ओलंपिक कमेटी बनाई गई थी 1924 में, जिस जो फाइनली बाद में 1927 में क्या हो गया आपकी, एक एसोसिएशन बना दिया गया, अलग सा संगठन बना दिया गया 1927 में। अब सभी लोगों को ध्यान होगा कि जो IOC आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, समझ रहे हो आप लोग, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में, 1894 में बनाई जाती है, जो विश्व स्तर पर क्या करती है आपकी IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, 1894 में इसकी स्थापना होती है। और पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ आपका, 1896 में ओलंपिक खेलों का शुरुआत हुई थी, कहाँ से, एथेंस से। ठीक है, एथेंस से इसकी शुरुआत हुई थी, और प्रत्येक 4 साल बाद इस खेलों का आयोजन होता है, समझ रहे हो आप लोग। अब ध्यान देना कि आप लोगों ने जो देखा होगा, क्या देखा आप इस चीज में, देख ध्यान देना आप लोग, जो IOC का जो मैप, वो फ्लैग होता, IOC का जो फ्लैग होता है, उसमें आप लोगों को 5 सर्कल दिखाई देते होंगे। ठीक है, इंटरनेशनल जब भी ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है तो 5 सर्कल दिखाई देते हैं। वहां पे क्या पूछा जाता है आप लोग ध्यान देना, वहां पे क्या पूछा जाता है कि रेड कलर किसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, रेड कलर किसे रिप्रेजेंट करता है, तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, समझ रहे हो आप लोग, अमेरिकन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्लैक कलर किसे रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो 5 छल्ले हैं आपके, 7 तो कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, लेकिन इसमें 5 ही कॉन्टिनेंटों के लिए छल्ले जो आपके रखे गए, ठीक है, ये सर्कल है, तो ये 5 छल्ले जो ब्लैक होता आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, साथ ही साथ आपका यूरोप जो आपका, ठीक है, जो ब्लू कलर आपका यानी कि नीला कलर कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है आपका, यूरोप कॉन्टिनेंट को, और जो येल्लो कलर होता है आपका वो एशिया कॉन्टिनेंट को, और आपका ग्रीन कलर जो रिप्रेजेंट करता है यानी कि आपका ओशनियन कॉन्टिनेंट यानी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, यहाँ पे ओशनिया भी याद रहेगा, ओशनिया भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना आप लोग। यहाँ पे एक बच्चे ने कहा कि 1924 और 1894 क्या चीज है, तो बच्चे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ ये चीज। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, एक क्या है आपका IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और एक है आपका इंडियन ओलंपिक कमेटी, भारतीय ओलंपिक समिति हो गया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हो गया। ठीक है, तो ये आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनाई जाती है, 1894 में, जो क्या करती है आपकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है, जो इवेंट होना है, किसके द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है, IOC के द्वारा। अब भारत के अंदर जैसे एशियन गेम है आपके, जो नेशनल लेवल पे जो गेम होते हैं आपके, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो गेम होते हैं आपके, उनके लिए किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है अगले 10 वर्षों के लिए, या अगले अगर जापान में जो आपके टोक्यो के अंदर ओलंपिक खेल होंगे, तो उसके लिए क्या किया गया था, 1924 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसे क्या कहा गया, इंडियन ओलंपिक कमेटी कहा गया, समझ रहे हो, भारतीय ओलंपिक समिति कहा गया, भी यही अंतर है दोनों में, समझ रहे हो, जो बाद में एसोसिएशन बन गया आपका 1927 में,
इस कमेटी को क्या बनाया गया, एक संगठन बनाया गया। वर्तमान समय पर क्या है आपका, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ये कमेटी पूर्ण रूप से क्या हो गई, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग आ गई और एक क्या बन गई आपकी कमेटी, फाइनली आपका एक संगठन बन गया। दो अंतर मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पे IOC, मैं अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक कमेटी की बात करता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी 1894 में बनती है और इसका जो मुख्यालय आपका लोसाने स्विच के अंदर है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है ना। द ओनली नॉन मेटल विच द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम का जो सामान्य जो हम जो एक मनुष्य के लिए सामान्य जो तापमान होता है आपका 20 से लेकर 27 डिग्री तक, ठीक है, नॉर्मल जो तापमान होता है रूम का, रूम टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर कौन सा जो आपका क्या नॉन मेटल किस रूप में रहता है, लिक्विड रूप में रह सकता है आपका, पारा हो गया आपका, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया या गैलेनियम हो गया, समझ रहे हो आप लोग। यहाँ पे जनरल स्टडी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मरकरी हो गया, ब्रोमीन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया या गैलेनियम हो गया, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। हाँ यहाँ पे हेमंत शर्मा जी ने ब्रोमीन आंसर दिया है, बहुत सही। सतीश दुबे जी ने भी राइट आंसर दिया आपका, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये आपकी स्क्रीन के सामने, ये ध्यान देना आप लोग। ओनली मेटल लिक्विड रूम टेम्परेचर मरकरी, अगर मेटल की बात करेंगे हम लोग तो कौन सा आएगा आपका, मरकरी आएगा यानी कि HG आएगा। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ध्यान देना, नॉन मेटल की बात करी थी यहाँ पे, नॉन मेटल यानी कि लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर ब्रोमीन, समझ रहे हो, इसे अच्छे से समझ लेना। दोनों क्वेश्चनों का आंसर सही आएगा, लेकिन एक यहाँ पे जो आपका ऑप्शन में दिया गया था क्वेश्चन, क्या पूछा गया था आपका, नॉन मेटल यानी कि गैर धातु, जो नॉन मेटल होगा आपका वो तो कौन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा, ठीक है। ब्रोमीन क्या होता है, इन ऑप्शन में से ब्रोमीन इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। नॉन मेटल की बात करेंगे, मेटल की बात करेंगे तो मरकरी आएगा आपका, ठीक है ना, मरकरी इज ए मेटल, ठीक है। मरकरी क्या होता है आपका, मेटल होता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, इस तरह से क्वेश्चन भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपके एग्जामों में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, यहाँ क्लियर हो गया सभी लोगों को। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, PDF के लिए आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो PDF आप लोगों को टेलीग्राम लिंक में मैं डेली दे रहा हूँ, ठीक है। PDF डेली आपका टेलीग्राम लिंक में डाली जा रही है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए PDF को। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के सामने, इन में से कौन सा, निम्नलिखित में से अलग या विषम है उसे चुनिए, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा अलग है, चूज द डिफरेंट वन विच ऑफ द डिफरेंट ऑड एंड फ्रॉम फॉलोइंग, इन में से कौन सा आपका डिफरेंट है, एल्युमिनियम हो गया आपका, आयरन हो गया, कॉपर हो गया या ब्रास हो गया, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग समझ लीजिए, इस ऑप्शन को देख के आप लोग राइट आंसर दीजिए क्या होना चाहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऐसे ही नहीं उठा रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो कहाँ से, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक, यानी कि पिछले जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन ही आपके, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा आपका, डी, ब्रास क्या होता आपका, यानी कि इसे हिंदी में बोला जाता आपका पीतल भी कहेंगे या कांस्य भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना। क्या कहा जाता है आपका, पीतल जो कि किससे मिक्सर होता है आपका, ये ध्यान देना, कॉपर और जिंक का मिक्सर होता है। जो ब्रास होता है आपका क्या होता है, ये मिक्सर होता है, यानी कि पीतल जो होता है आपका तांबा और जस्ते का क्या होता है, मिक्सर होता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान दें आप सभी लोग, तो जो ब्रास आपका मिक्सर बता दिया मैंने कि मिक्स कंपाउंड होता है एक, तो किससे बना होता है, ये सारी चीजें आप लोग स्क्रीन के सामने, तांबा और जस्ता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और पहली बार में आप लोग आंसर आर्यभट्ट दोगे, ठीक है ना। पहली बार में आर्यभट्ट दोगे, लेकिन आंसर देखो, इसरो के द्वारा 1981 में भारत का पहला क्या था आपका, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था उसे क्या कहा गया, समझ रहे हो आप लोग, 1981 में भारत के द्वारा, क्योंकि आप लोग ध्यान देना वो 1975 था, भारत का पहला सैटेलाइट था जो आपका वो आर्यभट्ट आपका 1975 में था, लेकिन जो आप लोग की स्क्रीन के सामने उस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इसरो के द्वारा 1981 में भारत का पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया उसे क्या नाम दिया गया था, तो उसे नाम दिया गया था आपका
एप्पल नाम दिया गया था, और ये भारत का पहला कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, इंडियाज फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसको क्या नाम दिया गया आपका, एप्पल नाम दिया गया था। और ये कब लॉन्च किया गया आपका, 1981 में, समझ रहे हो आप लोग, एप्पल इसका राइट नाम राइट आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। और ये भी क्वेश्चन समझ लेना, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है या उसे क्या नाम दिया गया था आपका, तो एप्पल नाम दिया गया था। और ये क्वेश्चन डिक्टो इसी तरह से पूछा गया एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो इसे भी अच्छे से समझ लें आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, इंडियन जो स्पेस आपका स्पेस प्रोग्राम का जनक किसे माना जाता है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जो जनक है उन किसे माना जाता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है ना, विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है किसे, विक्रम साराभाई को, ठीक है, तो फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक किसे कहा जाता है, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, बच्चों ये ध्यान दें कि ये जो केमिकल जो आपका फॉर्मूले होते हैं, व्हाट इज द C12H22O11 ऑल्सो नॉन एज, ठीक है, ये किस नाम से किया जाना है, ये केमिकल फॉर्मूला किसका है, ठीक है, तो ये ध्यान देना आप लोग, ये किसका है आपका, चीनी का, चीनी के जो एलिमेंट होता है आपके सुक्रोज, सुक्रोज जो मेनली जो आपका चीनी जानी जाती है आपकी सुक्रोज, ठीक है, तो ये सुक्रोज का क्या है आपका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, द सुक्रोज इज अ कॉमन, ठीक है, सुक्रोज इज अ कॉमन शुगर, जो सामान्य जो चीनी कहा जाती है आपके, किसे कहा जाता है, सुक्रोज को, ठीक है। और ये जो आपका सुक्रोज इज द प्रोड्यूस नेचुरली प्लांट, ये किससे बनता है आपका, प्लांट से, तो C12H22O11 क्या है आपका, इसका केमिकल नेम है। सिंपल सा ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने इसलिए रखा गया कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, समझ रहे हो आप लोग, यानी कि आप लोगों को ये सारी चीजें भी पढ़नी है और एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है, तो ये सभी एग्जाम के लिए कॉमन है, चाहे आपके कोई से भी एग्जाम हो, एसएससी हो आपके सेंटर बेस पे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, नागालैंड की राजधानी क्या है, आप लोग अगर ध्यान देंगे तो किसी भी एग्जाम के अंदर अगर कैपिटल पूछी जाती है तो ईस्ट इंडिया, समझ रहे आप लोग, नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर भारत के जितने भी स्टेट हैं तो उनकी क्या पूछी जाती है आपकी, कैपिटल पूछी जाती है, राजधानी अक्सर पूछी जाती है आपकी, जैसे आपका मेघालय, ठीक है, मेघालय हो गया आपका, सिक्किम हो गया आपका, ठीक है, सिक्किम हो गया आपका, असम हो गया, जो पूर्वोत्तर भारत में सेवन सिस्टर है आपका, असम, नागालैंड, ठीक है, सिक्किम, ये सारे के सारे आपके पूछे जाते हैं, सिक्किम सेवन सिस्टर में तो नहीं आता आपका, ठीक है, मेघालय का पूछा जाएगा, शिलोंग, सिक्किम का पूछा जाता है आपका, असम पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका कोहिमा, ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के सामने है उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आपका, कोहिमा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये ध्यान देना आप लोग, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया, सी आर दास, यानी कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी के द्वारा की गई थी, ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा मेंशन करूंगा, लगातार तो नहीं आएगा, एक मैच ब्रेक करके हुआ था, ठीक है, तो विश्व क्रिकेट में लगातार 5 शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे, तो ये क्वेश्चन दूसरी तरह से आएगा आपका, इस तरह से पूछा जाएगा, एक ही एडिशन के अंदर यानी एक ही विश्व कप के अंदर 5 सेंचुरी मारने वाले क्रिकेटर कौन है, इससे पहले लगातार 4 सेंचुरी यानी बैक टू बैक सेंचुरी मारने वाले जो प्लेयर थे उनका नाम था कुमार संगकारा, ठीक है, कुमार संगकारा ने बैक टू बैक सेंचुरी मारी थी एक मैच के बाद दूसरे मैच में, ठीक है, बैक टू बैक किसने मारी थी, ठीक है, वो थे आपके संगकारा, लेकिन रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरी मारी लेकिन बैक टू बैक नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का वैसे राइट आंसर तो आपका रोहित शर्मा आएगा, थोड़ा लैंग्वेज में ध्यान देना, रोहित शर्मा बिकम द फर्स्ट प्लेयर हिट द 500, समझ रहे हो आप लोग, सिंगल एडिशन यानी कि एक ही एडिशन के अंदर 4 सेंचुरी मारने वाले जो विश्व के पहले बल्लेबाज है उनका नाम क्या आपका, रोहित शर्मा, ठीक है, लेकिन बैक टू बैक अगर लगातार की बात करूंगा मैं तो 4 सेंचुरी जो लगाई थी आपकी वो किसने लगाई थी, कुमार संगकारा, ठीक है, तो इससे पहले कुमार संगकारा का नाम आता था लेकिन अब किसका आ जाएगा, रोहित शर्मा का नाम यहां पे आ जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो पनडुब्बी जो ट्रैक करने के लिए क्या विकसित किया गया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड द ट्रैक सबमरीन इन द, ठीक है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकंड, ठीक है। तो क्या खोजा गया था, रडार और सोनार दोनों के दोनों द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। समझ रहे हो आप लोग, जो मित्र राष्ट्र थे रडार और सोनार, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, दोनों के दोनों द्वितीय विश्व युद्ध में यूज किया गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा आपका, जो पनडुब्बी होती है यानी कि जो सबमरीन होती है उन्हें ट्रैक करने के लिए, समझ रहे हो। तो क्या किया गया था आपका, सोनार आएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, आपका राइट आंसर क्या आएगा, सोनार, ठीक है, यानी कि इसका बी राइट आंसर आएगा यहाँ पे। समझ रहे हो आप लोग, टू सिमिलर बट डिफरेंट टेक्नोलॉजी एडवांस देयर था, ठीक है। ये आपका क्या था, जो अलायंस विक्ट्री इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो रडार और सोनार दोनों के दोनों जो खोजे गए थे दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही खोजे गए थे, तो ये दोनों डिफरेंट नहीं आपके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब कुछ जनरल स्टडी में आप लोगों के लिए कुछ बायो के क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे बायो के क्वेश्चन, उसके बाद आप लोगों की ये क्लास चलेगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास चलेगी आप लोगों की 11 बजे से, वो RRB, समझ रहे हो आप लोग, RRB NTPC के लिए, RRB जो NTPC का एग्जाम होगा आपका उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी आपकी वो 11 बजे से होगी, ठीक है। 7 से लेकर 9 बजे तक आप लोग करंट अफेयर और जनरल स्टडी क्लास चलेगी, और 11 बजे से हम लोग सब्जेक्ट वाइज यानी कि आपका जनरल साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मैं आप लोगों को इसका टाइम टेबल बता दिया मैंने आप लोगों को, तो ध्यान देना। इन द पैडोलॉजी स्टडी अबाउट, यानी पैडोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, पैडोलॉजी में क्या करते हैं, सॉयल का यानी कि मिट्टी का अध्ययन किया जाता। अगला क्वेश्चन वहां पे हम लोग बायो के इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, पौधे की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए क्या प्रयोग किया जाता आपका, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी हो गया आपका, इकोलॉजी हो गया, या टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी तो आपका वर्गीकरण से संबंधित है, टैक्सोनॉमी क्या होता है आपका, वर्गीकरण होता है। कॉर्ल लिनियस के द्वारा जो जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया था, 5 भागों में बांटा गया था, जैसे आपका मोनेरा, प्रोटेस्टा, तो वो तो वर्गीकरण हो गया, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग उसमें रखा गया था आपका, ठीक है, उनके रहन सहन के अनुसार, ठीक है, उनके, तो वो वर्गीकरण था आपका। लेकिन क्या कहा जाता है इसमें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आना चाहिए आपके, पौधे के आंतरिक भाग की संरचना की जो ज्ञात किया जाता है उसे क्या कहा जाता है आपका, एनाटॉमी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर आएगा। आंतरिक भाग की जो आंतरिक जो संरचना होती है, और जो आपका इंटरनल जो आपका आउटर पोर्शन होता है, यानी कि वो मॉर्फोलॉजी हो गया और एनाटॉमी हो गया आपका, क्या, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की जो वर्गीकरण की जो मूलभूत इकाई थी, समझ रहे हो आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया था कॉर्ल लिनियस के अनुसार जो बेसिक इकाई थी, वर्गीकरण की जो बेसिक इकाई थी वो कौन सी थी, तो ये ध्यान देना आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, स्पीसी, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती, ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले कहीं ना कहीं बताए होंगे मैंने आप लोगों को, बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की, ध्यान देना, कॉर्ल जो लिनियस था, कॉर्ल लिनियस, ठीक है ना, कॉर्ल लिनियस के द्वारा जो स्टैग्मा सेंचुरी करके जो बुक दी गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपका, क्लासिफिकेशन की जो मूल इकाई होती है, ध्यान देना आप लोग, जो आप लोगों को बायोडायवर्सिटी वाला जो पोर्शन पढ़ाया था मैंने, वहां पे काफी इंपॉर्टेंट, तो इसकी जो होती है क्या होती है, स्पेसीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज द मशरूम, मशरूम अपने आप में क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द मशरूम, मशरूम क्या होता है, फंगस होता है यानी कि कवक हो गया, प्लांट यानी कि आपका वनस्पति हो गया, एनिमल यानी कि आपका जंतु, बैक्टीरिया यानी कि आपका जीवाणु, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मशरूम किसका एग्जाम्पल है, तो मशरूम एग्जाम्पल होता है फंगस का, यानी कि किसका एग्जाम्पल होता है, कवक का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है आपका, कवक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बच्चों आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने कवर करे, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो आगे कवर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई है, ठीक है। तो अगला लेक्चर मैं जनरल स्टडी वाला, जल्दी से हम लोग जनरल स्टडी वाला जो लेक्चर होगा उसे कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर बच्चा मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।
तब तक के लिए धन्यवाद।